हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज द लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट लेट अस डिफाइन इट. दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. This tense is just like future continuous tense. The difference is that starting point of action is given in this tense. ये tense भी future continuous tense की तरह ही है, लेकिन इसमें starting point दिया. जैसे आप बोल रहे हैं, I shall be working tomorrow. कल मैं काम कर रहा हूँगा, पर कब से कर रहे होगे? वो इसमें दिया हुआ है, since morning. I shall have been or she will have been or they will have been working, playing, cooking food since morning. ठीक है? तो ये future continuous की तरह ही है, सिर्फ इसमें starting point दिया है, कब से काम हो रहा होगा. ठीक है? She will have been working since morning. ठीक है? Continuous कितने आए हमारे पास? I am working now. I am writing on the blackboard. I am writing on the blackboard. This is present continuous tense. Tomorrow you will say our teacher was writing on the blackboard. उस टाइम की बात कर रहे हैं. He was writing on the blackboard when we were sitting in the classroom. फिर past हो गया, फिर future continuous क्या है? ठीक है, past continuous भी हो गया, future continuous क्या हो गया? कि मैं ये कहूं कि tomorrow I shall be writing on the blackboard. ये सिंपल हो गया. अगर टाइम देना, tomorrow I shall be writing on the blackboard since morning, since 2 o'clock for an hour. तो उसमें टाइम दिया, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह. ये स्टूडेंट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज shall और will. फिर से बोल रहा हूं, आप will यूज कीजिए, apostrophe लगा करके डबल एल यूज कीजिए. विल भी बोलोगे वो भी ठीक है. शैल विल प्लस हैव एंड बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब आ गई स्टूडेंट्स. बीन है, ये शैल विल है प्लस बीन. और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है. विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब यू विल फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस. कैसे? एफर्मेटिव बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बड़ी आसानी से बना सकते हो. ठीक है? तो अब हम करेंगे फॉर्मेशन. तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार लगा करके लिख दीजिए. बाकियों से क्या डिफरेंस है? यूज ऑफ सिंस फॉर प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा. ठीक है? तो यू आर यूजिंग सिंस फॉर इन दिस टेंस. तीन में ही आपने सिंस फॉर यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड देन देयर वॉज फ्यूचर परफेक्ट. देर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू याद कर रहे हैं हम. ठीक है? जो और जो पहले कर लिए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर है. तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको तीन सेंटेंसेस दे करके डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल आराम से आप इस टेंस को कर सकते हो. ठीक है? फर्स्ट वी विल डू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर्मेशन इज विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. नंबर वन इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाउ विल यू फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसेस? कैसे? सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन हेल्पिंग वर्ब. चलो पूरी लिख देते हैं. कौन कौन सी है? शैल विल प्लस हैव देन बीन. ओके, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही इसकी पहचान है, सिंस फॉर प्लस जो भी आगे टाइम पीरियड आएगा, एन आर, टू आवर्स, मंडे, ट्यूजडे, वो सारा इसमें आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज
एफर्मेटिव सेंटेंस, जो मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, कोई वर्ब ले लीजिए, आई हैव बीन वर्किंग इन माई गार्डन, ठीक है, आई विल हैव बीन वर्किंग इन माई गार्डन सिंस मॉर्निंग। किसी ने पूछ लिया कल क्या कर रहे होंगे, मैं आपके घर 2 बजे आऊंगा दिन को, तो आप फ्री होंगे? ओके, यू कैन वेट, 4 बजे आ जाना। क्यों? आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock, तो थक चुका होऊंगा, आराम करूंगा, उसके बाद आप आ जाना, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें क्या करना है, सिर्फ एक नॉट आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लिखना है, प्लस आ गया शैल विल प्लस नॉट, ये आ गया नॉट यहां। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन हर गार्डन सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ऐसे आप ठीक है फ्यूचर के लिए कर सकते हो। फिर तीसरा क्या है हमारे पास, वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने इसकी पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इज शैल विल प्लस देन सब्जेक्ट देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब देन थर्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये आ गया आपका शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव बन गया, शी शैल I have been waiting for you since morning. Will you have been working in your garden since morning? Okay. Will they have been playing cricket for 2 hours? ठीक है, तो ऐसे ही आपके बन गए कौन से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो क्या करोगे, ठीक है, दिस इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, देन वी हैव नॉट, देन ये नॉट को गोल कर दिया, प्लस आ गया हैव दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरी हेल्पिंग वर्ब, ये पहली हेल्पिंग वर्ब, पहली के बाद सब्जेक्ट, शैल वी नॉट हैव बीन, और मैंने आपको बोला था कि आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वॉन्ट यू हैव बीन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन विल यू नॉट हैव बीन वो भी कर सकते हो। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, और ऐसे आपके ये सभी जो टेंसेस हैं ये पूरे होते हैं, समाप्त होते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो, किसी भी टेंस में कोई भी सेंटेंस आपने बना लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं बिल्कुल रिकैप्चर करेंगे चुटकी में, हमने क्या पढ़े, टेंसेस, स्टूडेंट्स हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, 3 ओनली, कौन कौन से, प्रेजेंट देन पास्ट देन दिस इज फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद हम एक और करेंगे टेंसेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस, उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, वो आपने देख लेनी है, ये होगी, ठीक है, ये हमारे टेंसेस हो गए। एक ही पेज पर आपके पूरे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपने पास रखिए, एक वर्ब्स ले लीजिए, अभी आपके सामने मैं वर्ब्स यूज करूंगा और आपको ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टेंसेस कितने हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टेंस का चार्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, उसको आपने देख लेना है, और अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट आगे कितने हैं, इनडेफिनिट कंटिन्यूअस देन परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गए हमारे टेंसेस कितने हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट उनको कितनी डिग्रीज में, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको ये बोला था कि जितने भी टेंसेस बनते हैं दो ही चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए और वो दो चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि हम क्या लिखते हैं, शायद आपको ये दिखाई दे या ना दिखाई दे, चलो यहां लिखता हूं फिर मिटा देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ऐसे ही बनेंगे आपके सारे ही टेंसेस ऐसे बनेंगे। यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड जस्ट हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हमें किस किस चीज का पता होना चाहिए, देखो मैं आपको यहां लिख रहा हूं कि हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीजों का पता होना चाहिए। देखिए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, दो ही चीजों का ध्यान रखना, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको एग्जाम में आ जाएगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बोल दिया, यहां लिख दिया मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब ले ली, वर्ब क्या है, अब आ गई वर्ब की बारी। एफर्मेटिव में क्या वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कौन सी फॉर्म है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब में देर इज नो, इसमें एफर्मेटिव में देर इज नो हेल्पिंग वर्ब, तो आप कैसे बना, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, शी कुक्स फूड, आई कुक फूड, सीधा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और यस। नेगेटिव कैसे बनाओगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, सिंपल। ठीक है, फिर हम पहले सभी इनडेफिनेट कर लेते हैं, इसका पास्ट हो जाएगा, तो यहां पर भी एफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सीधी वर्ब पर चले जाइए, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, वर्ब क्या है, अब वर्ब की बारी आ गई, एफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कैसे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे और लास्ट वीक, शी डिड नॉट, शी स्टडीड इंग्लिश, शी डिड नॉट स्टडीड इंग्लिश, ऐसे बना दे, डिड शी स्टडी इंग्लिश, शी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है, शी स्टडीड इंग्लिश, शी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, डिड शी स्टडी इंग्लिश, ऐसे आपके बन गए। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल, और वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर, वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इनडेफिनेट की शैल विल प्लस एक आगे ऐड होगी बी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इज हैज हैव, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल और विल प्लस हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आ गया लास्ट हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज और हैव प्लस एक ऐड कर दी
been first form of the verb ing. Then we have had plus been, then we have first form of the verb plus ing. Then we have shall, will, जो आज हमने किया है वो have plus been, shall will have been plus first form of the verb ing. अब students इसकी ओर देखिए एक बार आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, इसको मत देखिए, फिर सुन लीजिए. क्या सुना आपने कि जो भी टेंसेस बने, वी वर जस्ट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, व्हाट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, वो क्लियर हो गया. अब देखिए यहां पर कितने ब्लॉक्स हैं, टेंसेस कितने, 3, 1, 2, 3, आगे 4 पार्ट्स में हो गए. देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें आईएनजी वाली फॉर्म है. याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जितने भी कंटिन्यूअस है उनमें आईएनजी वाली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन जितने भी इनडेफिनिट है उसमें फर्स्ट फॉर्म है. ये देखिए पहला ब्लॉक, पहला खाना कॉलम, पहले कॉलम में पहली फॉर्म सिर्फ एक को छोड़ करके, वो भी सिर्फ एफर्मेटिव में, नेगेटिव में फिर वही है, ठीक है. दूसरे में दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म. सो यू कैन रिमेंबर जस्ट लाइक दैट, इन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट, यहां पर स्टार लगा दिया. जब आप बोल रहे हो पहले कॉलम में फर्स्ट फॉर्म आती है एक को छोड़ करके, ये थर्ड कॉलम में थर्ड फॉर्म ही आती है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एक को छोड़ के, थर्ड कॉलम में थर्ड फॉर्म, देन वी हैव, बाकी जो भी बचा सब में आईएनजी. क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू कंटिन्यूअस कैटेगरी, ठीक है. तो फर्स्ट में फर्स्ट, थर्ड में थर्ड और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. बाकी देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वी आर ऑलवेज यूजिंग बीडीएच फॉर्म. बी मीन इज एम आर, वॉज वर बीन, डी मीन डू डज डिड और एच मीन हैज हैव हैड. नीचे वाले जो रो है इसको छोड़ दीजिए परे तक, दो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में देखिए बीडीएच ही है. यहां देखिए बीडीएच में डी आ गया, यहां बीडीएच में डिड आ गया, यहां ये फ्यूचर अभी नहीं करेंगे. बी मीन इज एम आर, बी मीन पास्ट में वॉज वर, और देन हैव हैज हैव हैड, सभी में वो आ गई. सिर्फ फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडल एंड वी हैव दिस मॉडल शैल विल. ओके, सो फर्स्ट फॉर्म जब आप ऐसे लिखेंगे, जब भी मैंने इनडेफिनेट टेंस बनाना, वेन एवर आई एम गोइंग टू फॉर्म प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इनडेफिनेट टेंस एफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म देन फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इनडेफिनेट इनडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज एम आर प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, उसका फ्यूचर क्या हो गया, शैल विल बी, देन हैज हैव हैड, ये हो गया. अब है एग्जाम में आपको कैसे आप जान पाओगे कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ही है. आपके पास स्टूडेंट्स हिंट दिए होंगे, ये यहां पर मैं हिंट दे रहा हूं. और हिंट क्या है यहां पर, हिंट क्या है देखिए, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, ठीक है, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक, और यूनिवर्सल ट्रूथ, सनराइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. तो हिंट क्या दिए हैं, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, वंस इन अ वीक, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है. पास्ट इनडेफिनेट के हिंट क्या दिए हैं कि ये पास्ट इनडेफिनेट ही है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, देन बिफोर 2020, जो भी आ गया, 2019, 1918, 1947, 1960, ठीक है. शी पास्ड हर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1960, पास्ट आया, पास्ड लिख दिया हमने, सेकंड फॉर्म. वॉज वर का हिंट क्या था स्टूडेंट, या तो बी प्लस यस्टरडे वगैरह आएगा, नहीं आएगा तो वेन प्लस वेन दिया होगा, यहां पर वेन प्लस कोई पास्ट टेंस दिया होगा, ठीक है. फ्यूचर में भी ऐसे ही है, टुमारो, ठीक है, यहां पर देखिए ये आ गया, ठीक है. टुमारो में क्या है, मैं इधर चला गया, यहां आ जाता हूं, यहां पर क्या आ गया, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन 2021,
20 नहीं लेना है, आगे सारे फ्यूचर हैं। तो टुमारो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आ गया नेक्स्ट वीक इन 2025। इस एमआर में मैंने आपको क्या बताया था, हिंट क्या है, नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, आई एम वॉकिंग दिस इज, आई एम ईटिंग दिस इज ऑल्सो कंटिन्यू, आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड वट एवर इट इज दिस इज, ठीक है। मदर इज ऐसे कड़छी पकड़ी हाथ में, ठीक है, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, शी इज स्वीपिंग हर रूम, ऐसे आपके ये कंटिन्यूस बन गए। तो नाउ और स्टिल आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर इसमें मैंने आपको बता दिया वेन प्लस पास्ट, इसमें फिर से वही टुमारो नेक्स्ट और बाकी उसमें पास्ट कंटिन्यूस है, इसके लिए हिंट दिया होगा बी, ठीक है, या बाई नाउ ऐसे। और हैज हैव में यहां पर आपके पास आ गया जस्ट या जस्ट नाउ, डिफरेंस क्या है, जस्ट नाउ इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड जस्ट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हैज जस्ट ओपन्ड द डोर, जस्ट नाउ वो लास्ट में लिखते हैं, ये पहले लिखते हैं बस। और यहां पर हिंट क्या था स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंस और फॉर, सिंस फॉर हिंट दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और ये हेड में यहां पर बाद में आता हूं, यहां पर आ गया मैं हेड वाले में, क्या था, देयर आर टू एक्शंस इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर, तो इसमें क्या हुआ प्लस प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पहचान है। व्हेन एवर यू आर गेटिंग सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपने लगाना है, हेड थर्ड फॉर्म आ गई तो आपने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लगाना है, तो क्लियर हो गया। बाकी तो नहीं किसी में आया, ये कोई एक जैसी पहचान आ रही है किसी में, किसी में भी कोई ऐसी पहचान नहीं है। यहां पर क्या है, उसी की तरह बिफोर ऑलरेडी वगैरह वगैरह जो भी आया, लेकिन यहां पर क्या है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या है, ये देखो पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, तो दोनों अलग हैं। देखो ये हिंट दिया होगा आपको, ये है, अगर दोनों जगह ब्रैकेट दिए तो आप अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी बना लो, कोई गलत नहीं कर पाएगा, हिंट शुड बी देयर, ठीक है ना। जैसे अब मैं सपोज आपको बोलता हूं मैं स्कूल जा रहा, इसको ट्रांसलेट करो, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट, क्योंकि टेंस का तो पता चला ही नहीं। यू कैन से आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब तक हमें हिंदी में भी है था नहीं आएगा हमें पता। यहां भी दे विल हैव टू गिव अ हिंट, तब जाके बात बनेगी। परफेक्ट कंटिन्यूज में सिंस फॉर, हेड वाले में भी सिंस फॉर, लेकिन इन दोनों में फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, यहां कोई पास्ट टेंस दिया होगा आपको ये बताने के लिए कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पूछ रहा है। जैसे वेन आ गया प्लस पास्ट इनडेफिनेट टेंस आ गया, तो वेन दिया है यहां पर, वेन यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया हो सकता है, लेकिन यहां पर सिंस फॉर नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर सिंस फॉर है परफेक्ट कंटिन्यूस, और यहां पर भी, यहां पर क्या गया सिंस फॉर तो आएगा ही आएगा, दैट इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एनी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एनी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट इफ इट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देयर मस्ट बी यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर। प्लस अगर टुमारो लग गया, सपोज इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दिस इज प्रेजेंट, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू व्हेन योर ब्रदर कॉल्ड यू, दिस इज पास्ट, व्हेन योर ब्रदर कॉल्ड, ये I shall have been waiting for you since morning tomorrow. I had been waiting for you for an hour when your brother called you. I have been waiting for you. Simple. यहाँ पर simple ही है. यहाँ पर tomorrow दिया हुआ है. तो ये future हो गया. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए. Helping verb भी आ गई. ठीक है. ये भी आ गया. ये भी आ गया. ये सब कुछ. एक चीज तो helping verb and verb. Two things to be remembered. वन थिंग हेल्प यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, वर्ब की तीन ही फॉर्म तो आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के बाद कुछ नहीं यूज किया आपने, ठीक है, और चौथी फॉर्म कौन सी यूज की है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, तो चार ही फॉर्म को आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट यहां पर कर ली, सेकेंड यहां पर कर ली, थर्ड यहां पर की, और चौथी कंटिन्यूस के लिए
वो अलग से कर ली। तो आप बड़े आराम से इन टेंसेस को कर पाओगे जब आप इस चार्ट को एक बार आगे रखोगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है, एक बार BDH का फॉर्मूला याद रखिए कि हमारे पास फॉर्म तो तीन ही है BDH, बस उसकी आगे सब फॉर्म्स को हम लर्न करेंगे और आपके जितने भी टेंसेस हैं वो आराम से यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज टेंसेस। ओके, तो आई होप कि यू नाउ अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टेंसेस। दो चार सेंटेंसेस में आपको लिखता हूं आपके कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए। देखिए, शी All three sentences are same, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन she go इतना तो कर सकते हो, she goes to market, जब आपको यहां पर क्या आ गया daily, then we have yesterday, बड़े आराम से yesterday been past, she went to market yesterday, tomorrow She will go to market tomorrow. Daily mean present indefinite, yesterday mean past indefinite and tomorrow mean future indefinite. तीनों हो गए। अगला देखिए, She play chess now. She play चेस वेन आई वेंट टू हर हाउस, ठीक है। शी बी प्ले चेस टुमोरो, तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। नाउ, नाउ और स्टिल मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी इज प्लेइंग चेस नाउ, शी प्ले चेस व्हेन आई वेंट, व्हेन आई वेंट, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, व्हाट शी वाज डूइंग, पास्ट की बात कर रहा है, जब मैं उसके घर गया तो क्या हुआ, व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज प्लेइंग चेस। मैंने आपको पहले बोला डब्ल्यू डब्ल्यू मीन वॉज वर्क कर लो इसको, व्हेन याद रखो, व्हेन मीन वॉज वर्क कर दो जब वहां पास्ट है। शी बी, शी बी, बी का मीनिंग तो इजे में आ रहा है, वॉज वर है, लेकिन टुमारो, टुमारो मीन शैल विल, लेकिन नो वो शैल विल नहीं पूछ रहा है, वो साथ में बी पूछ रहा है, बी मीन कंटिन्यूअस, सो शी विल बी प्लेइंग चेस टुमारो, प्रेजेंट हो गए, ठीक है। जितने भी जो कंटिन्यूस था वो चाहे प्रेजेंट था, चाहे पास्ट था, चाहे फ्यूचर था, वो भी हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, परफेक्ट टेंसेस। आई अब यहां देखिए, आई जस्ट ओपन द डोर, जस्ट
सिंपल जस्ट जस्ट मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आई हैव जस्ट ओपन्ड द डोर ही क्लोज द डोर बिफोर द डॉग एंटर द रूम बिफोर वन क्लोज इज कंप्लीट बिफोर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ये आ गया सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म देन यू विल हैव टू डू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इनडेफिनिट इज ऑलरेडी गिवन यू आर सपोज टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट सो ही हैड क्लोज द डोर बिफोर द डॉग एंटर द रूम कुत्ते के अंदर आने से पहले कमरे में आने से पहले दरवाजा बंद कर चुका था ठीक है नहीं आ पाया वो ही क्लोज द डोर बिफोर द डॉग एंटर्स द रूम ठीक है ही क्लोज द डोर बिफोर द डॉग एंटर्स द रूम कुत्ते के आने से पहले किसने बोल दिया ओ भाई ध्यान से रहना कुत्ता अंदर आ सकता है आपने बोला डोंट वरी आई शैल हैव ही विल हैव क्लोज्ड द डोर बिफोर द डॉग एंटर द रूम उस कुत्ते के आने से पहले ही वो दरवाजा बंद कर चुका होगा फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहां पर क्या है एंटर्स यहां देखिए एंटर्स एंटर्ड सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस तो क्या किया हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट फ्यूचर परफेक्ट ठीक है तो ये आपने ये ध्यान से इन दोनों के पेयर्स को याद रखना है हिंट आपको दिया होगा वन पार्ट विल बी कंप्लीटेड एंड अनदर विल बी कंप्लीटेड बाय यू जैसे ये दो पोर्शन याद रख लीजिए क्या रखा आपने याद पास्ट परफेक्ट ठीक है तो आपने क्या किया वो आपको दे दिया तो आपने ये बना दिया पास्ट इनडेफिनेट कैसे बनता है जी पास्ट इनडेफिनेट ऐसे पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट इनडेफिनेट कैसे बनता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इस टेंस में आपको इन जितने भी टेंसेस किए उसमें दो पेयर तो बिल्कुल सिंपल है हेड प्लस दूसरा क्या है दूसरा है फ्यूचर में कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचानोगे फ्यूचर के लिए शैल विल और परफेक्ट के लिए हैव जहां हैव होगा वहां थर्ड फॉर्म होगी हैज हैव हैड जो भी है और यहां पर क्या बनाओगे हियर प्रेजेंट इनडेफिनेट ठीक है प्रेजेंट इनडेफिनेट कैसे बनता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस बन गया ठीक है तो आई होप यू एंजॉयड टेंसेस टेंसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेरी वाइटल रोल इंडिस्पेंसेबल रोल इन आवर लाइफ कोई स्टूडेंट है कोई भी जॉब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं आप कुछ भी लिखते हो बोलते हो टेंसेस आर ऑलवेज देयर हिंदी में मत सोचिए आप डेली एवरीडे जस्ट नाउ इनको याद रखिए घर में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते रहिए मदर देखो सिंपल सी बात है एक 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 ये जो डेली आपके घर में हो रही है कुकिंग तो डेली हो रही है और स्टडी भी आप डेली करते हो रीडिंग भी आप डेली करते हो एक कुकिंग ले लीजिए माय मदर कुक्स फूड डेली शी इज कुकिंग फूड शी हैज कुक्ड फूड She has been cooking food since morning. She cooked food yesterday. She was cooking food when my brother came. ठीक है? She will be cooking food. She will cook food. She will cook tasty food tomorrow because our guests are coming. She had cooked food before father reached home. Father office जाते हैं, दुकान करते हैं, late आते हैं. But mother had cooked food. Before father reached home, वो तो पहले ही बना चुकी थी ठीक है फिर mother will have cooked food. पापा ने बोला मैं आज शाम को 9 बजे पहुंचूंगा आपने खाना बना करके तैयार रखना उन्होंने बोला ओके आई शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम मीन यू आर कमिंग एट 9
कुकिंग पहले हो जाएगी 9 से पहले, देन लास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यू, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग टुमारो। तो सारे हो गए। एक वर्ब्स लीजिए, उसको बना लो, गलत बनाओ, सही बनाओ, गलत बोलो, एक बार गलत, दो बार गलत, तीन बार गलत, एक टाइम आएगा यू विल बी एबल टू फॉर्म करेक्ट टेंसेस। दिमाग में ये नहीं सोचना है हिंदी में सोचना है मदर इज कुकिंग फूड, क्या सोचना है इसमें, शी इज कुकिंग फूड, शी हैज कुक्ड फूड जस्ट नाउ, शी वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई स्टडी डेली, माई सिस्टर स्टडीज डेली, ओके, देन शी हैज स्टडीड इंग्लिश, शी हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर हर टीचर केम। ऐसे आप सारे के सारे टेंसेज आपके बन जाएंगे एंड यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग टेंसेज।